वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। देखो सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा ने जो संयोग बने वो जो विआह शादी का कोई भी समागम है वो इदा का होना चाहिए भी ना अगलिया कोई बंध बोझ पवे ना साढ़े दे पवे। एक दिन की खुशी परिवारक है इन्हों निजी तौर पर मनाना चाहिए सतगुरु सच्चे पातशाह का आशीर्वाद लैके जोड़ा ये जीवन है गृहस्थ जीवन जो सतगुरु का हुक्म ही है वह शुरू करना चाहिए। सो सादगी सब तो जरूरी है। देखो यो ही सा मैं बेनती भी करनी है मीडिया में भी कई बार ना कुछ चीज़ें आप प्राइवेट रखना चाहते हैं। मैं पब्लिक के विचरना मैं नहीं चाहता भी मेरा परिवार जोड़ा वो पब्लिक उन्होंने कोई तस्वीर सामने आ। सो ये बेनती भी है कि जी प्राइवेट लाइफ है इन प्राइवेट रहने दिता जाए। इस करके सानू मुश्किल की वजह करके सानू शिफ्ट करना पाया क्योंकि उत्थे मीडिया जिहड़ा सी असी अवॉइड नहीं सी कर सकते। इमीडिएटली सानू प्लान चेंज करने पे। सो ये बेनती अगे तो भी है भी तुसी इन चीज़ों के उत्ते आप थोड़ा जिहा जिवें सेंसेशन दे रूप दे विच फोटो लाउणियां हैं पहले किसी गलत कुड़ी दी फोटो चलाई गई फिर दोबारा फिर चलाई जा रही तो मेरी सारे नूं बेनती है भी इदा नहीं करना चाहिए बिना इजाजत तो बिना किसी की अथॉरिटी तो यह काम नहीं करना चाहिए। वैसे अचानक कल खबर निकली कि तुसीं क्या करवा रहे हो उदा परिवार दे विच लंबे समय तो प्लानिंग चल रही सी। मेरी मैं एक साल तो मैं जिहड़ा सी असीं ऑलरेडी विआह दी गल चल रही सी। सो इस करके ये जरा लंबे समय की प्लैनिंग है पर वो जो मैं पहला गया भी कुछ चीज़ों अपन परसनल रखना पैदा हाँ जी मैं पहला तो जानते सिंह साहब जिस तरह अकाल तख्त जथेदार की गल की जाए तुम्हें भी जरा एक मैसेज दिता है कि तुम्हें लगता नहीं सिंह साहब ने एक मैसेज देना चाहते जो लोग ने संगत ने उस तरह अपना साधा विआह करना। देखो ये जरूरी है मैं अगे भी कई थावां ते गल कीती है कि यह परिवारक जी रसम है दो परिवारां दा दो जीआं दा मेल है सतगुरु की हजूरी चाहिए होर कुछ बहुता नहीं चाहिए ताम जाम। सो जिन्ना साधा हो सके उन्ना चंगा है आपां लोक दिखावे दे विच आ के लखां करोड़ां रुपये खर्चीए तो फिर कई कोई तो खर्च सकता पर दूजे हड्डियां चुक के फाह लेना पैंदा जिन्हां को नहीं हुंदा। दाज दहेज इहो जी जिहड़ी समस्या पंजाब दे विच माड़ी मोटी हैगी इहनूं खत्म करना चाहिए। विआह इदां दी रस्म होनी चाहिए भी जिथे किसी एक दिन पहलां भी चिंता ना होवे आम रस्मी तौर पर जिवें कितें महाराज की खंडपट साहब रखाया इदां दी रस्म होवे तां जो कुड़ी दे परिवार नूं जां किसी भी परिवार नूं इह चिंता ना होवे कि असीं विआह करां। मतलब बहुत नेड़े जिहड़े सी सिंह सी परिवार दे जी सी रिश्तेदार सी कुछ ते बहुत लिमिटेड बंदे सी पंजाब दे करीब। सिंह साहब अगे समागम रखे गए ने फिर रूपरेखा नहीं ओदा ही चलेगी जिवें समागम दी रूपरेखा क्लीयर कर दियो कि तुहाडा जिहड़ा परिवार है ओ कैनेडा तो है कि यूके तो है क्योंकि ए भी बड़ी गल दे परिवार जिहड़ा तुहाडे सारा परिवार नहीं ओ यूके तो ने। भाई साहब तुहाडे कोलों एक वखरा सुनेया दित्ता जांदा है आम जिहड़े नौजवान ने भी तुसीं बाहर नहीं जाणा इत्थे रहो सो हुण जिहड़े तुसीं परिवार तुसीं आप इत्थे रहोगे परिवार तुहाडा इत्थे रहोगा कि तुसीं भी बाहर नहीं नहीं असीं देखो परिवार असीं ते उत्थों लै के आए ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।